के ऊपर प्रहार नहीं, यह पूरे हिंदुओं के ऊपर प्रहार है। जिस प्रकार से अनंतनाग के अंदर माता के मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसमें आतंकवादी नाम दे रही है, लेकिन जबकि ये लोग वहाँ के लोग, ये कार्य जो है वहाँ के लोगों का है, उन लोगों को बचाने का प्रयास ये सरकार कर रही है और हम ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमने कल SSP अनंतनाग से बात करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। उन्होंने मैसेज किया कि मैंने प्रेस रिलीज जारी कर दी है, आप उससे जानकारी ले लीजिए। ले हम पूछना चाहते हैं कि हमें कौन जवाब देगा इसका, कौन इसका जवाब दे है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके ऊपर बोले? कोई नहीं बोला इसके ऊपर। तो हम सरकार से ये मांग करने आए, यहाँ पर आए हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार, ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। आज पूरा समाज जो है वो रोष में है। देखिए, 2 साल पहले इन्होंने कहा था कि सभी वहाँ जितने मंदिर है कश्मीर के अंदर, उनका पुनर्निर्माण करके उनको शुरू किया जाएगा। कहाँ है वो वादे? जो हिंदू समाज के सब वादे किए गए वो सब धरे के धरे रह गए। तो हम ये सरकार से यही मांग करते हैं कि 2-4 दिन के अंदर अंदर उस मंदिर का निर्माण करवा कर, उसका शुद्धिकरण करवा कर, उस मंदिर को शुरू करवाया जाए, अन्यथा ये आंदोलन उग्र होगा।